Hello friends, welcome back to my channel and a very very good evening to all of you. तो आज है 38 मार्च, तो आज इवनिंग से मैं मेरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग अपने अपने फैमिलीज के साथ अपने घरों में एकदम सेफ है. हम भी बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे है. तो बस डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है. तो आज मैं डिनर में बहुत ही सिंपल एक आलू तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो खसखस होती है पॉपी सीड, वो और सरसों से मैं बनाऊंगी. तो उसको मैंने भिगो के रख दिया था, तो उसकी की पेस्ट से मैं बनाऊंगी. तो यहाँ पे तेल पे मैंने थोड़ा सा कलौंजी देके और आलू और तुरई को देके अच्छे से फ्राई करके थोड़ा सा हल्दी मैंने दिया है और कोई भी मसाला मैंने यूज़ नहीं किया, और थोड़ा सा नमक दे दूंगी. बस अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे. उसके बाद जो पेस्ट बनाया है वो मिक्स करके अच्छे से कुक करना है. तो एकदम सिंपल डिश है, जिसको हम बंगाली में आलू झींगे पोस्तो बोलते हैं, बस वही है. हाँ, मैंने जो मिक्सचर बनाई है उसमें मैंने थोड़ा सा जो वाइट सेसमी सीड होती है, मतलब सफ़ेद तिल, वो मैंने थोड़ा सा दिया है. तो बस इन तीनों चीज़ों का मैंने मिक्सचर बना लिया. वैसे भी खाना अभी बहुत ही सिंपल बनती है घर में. हमने लंच पे एकदम प्लेन दाल और राइस लिया था अचार और पापड़ के साथ, और रात में इसलिए मैंने सोचा कि एक सब्ज़ी मैं बना लूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एक घर में ही सेम सिचुएशन ही है. और यहाँ पे मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो बस मेरा डिनर वगैरह कुकिंग सब फिनिश हो गया है, और सच में अभी तो हर एक टाइम के लिए सोचना पड़ता है कि खाना क्या बनाए, क्योंकि मतलब खाना बनाने का अभी एक सबसे मेजर टेंशन जो है, मतलब मेजर अभी सोच जो है वो कुकिंग रिलेटेड ही होती है. तो बस हमारे घर में भी डेली इस तरह का ही खाना बन रहा है, बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक जो होना चाहिए इस टाइम पे वही बन रही है. और मुझे पता है हर एक के घर में ऐसी ही सिचुएशन है, क्योंकि हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ है उससे हम किस तरह से डेली 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 मैनेज करें. ग्रॉसरी का तो फिर भी ठीक है, स्टॉक रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन वेजिटेबल्स इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो बस एक वेजिटेबल को कितने वे में हम बना पाए वही मतलब सोचना पड़ता है. सच में ये टाइम हमें बहुत कुछ सिखा रहा है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें. जब ऐसे टफ टाइम आ जाता है तब कैसे खुद को अपनी फैमिली का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. और मुझे पता है आप सभी के घर में भी सेम ही सिचुएशन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड
क्या सिचुएशन है, तो सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेड चीजों से कैसे हम मैनेज कर पाए। सच में ये चीज हमारे लाइफ टाइम के लिए एक लेसन है जहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बस आई बिलीव कि ये टाइम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हम सभी प्रे कर रहे हैं कि इस टाइम से हम जल्दी निकल पाए। तो देखते हैं कब तक ये सॉर्ट आउट होता है। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन को बार बार सोच के या बार बार इसको याद करके डिप्रेस होने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है हमें घर में ही रहना है। तो बस घर में खुश रहे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे घर में अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। तो आज हमने घर में बॉलिंग खेला, सच में बहुत ही मज़ा आया। और बच्चों का जो बॉलिंग पिंस है वो हमारे पास नहीं है, तो बस घर के जो अवेलेबल बॉटल्स थे उसी से, और एक टेनिस बॉल है, बहुत ही लाइट एक बॉल है, उसी से हमने खेला। ये इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे भी काफ़ी खुश रहते हैं, वो तो वैसे भी एक्साइटेड रहते ही है, कोई भी काम उनको दे दो तो बहुत खुश होते हैं इन सारी चीज़ों से। कुछ भी अगर हम क्रिएटिव चीज़ें उनको बना के दे दें तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस वो भी खुश रहे और उनके साथ हम खुद को भी खुश रखें, कि हम अगर खुश नहीं रहेंगे तो हम उनको भी खुश नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को खुश रखें, जैसी भी सिचुएशन हो खुद को खुश रखे, हैप्पी रखे। तो सच में ये टाइम कब निकल जाता है ये खुद को पता भी नहीं चलता। तो अभी कुछ काम बाकी भी है किचन में, थोड़े बर्तन है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। आज एक्चुअली दोपहर को बर्तन धोना नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा हो गया, और साथ में ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा अगर हो जाता है तो एक साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती है। साथ के साथ धो लेते हैं तो उतना फील भी नहीं होता, काम करते करते मैं धो लेती हूँ तो हो जाता है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता और धोने में थोड़ी सी टायरिंग तो हो ही जाती है। कोई नहीं, फटाफट से धो लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था, और मैं बहुत ही जल्द मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरे किसी व्लॉग या वीडियो को लेके। तो आप सब बिल्कुल अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।